आइए देखते मजा आएगा। अरे सासू माँ, फूलों की रानी बाहरों की मलिका बनके किधर जा रही हो? अरे बहू, आज एनिवर्सरी है ना मेरी, पूरे 20 साल हो गए। ओ आतंक के 20 साल, ऐसी आतंकवादी औरत को सहन करने के लिए ससुर जी को दंडवत प्रणाम। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करते, कितने प्यार से बात करते हैं। अरे हाथ में आप चाकू लेके घूमोगी और टपकाने की धमकी दोगी तो प्यार से ही बात करेगा ना? बेचारा हमेशा खौफ में रहता है, पता नहीं क्या कर देगी। से ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है गुलदस्ते में से थोड़ा बाहर निकल के बात कर रहा है। अरे मेरी कुंफू पांडा, जितनी अपनी एनिवर्सरी पे खुश रहती है उतना मेरे में भी खुश रह कर मुँह टेढ़ा करके घूमती रहती है पूरे दिन। दिन वो घुमाने के लिए बाहर ले जाने वाले रहते, तभी ये मेरे को किचन में काम पे काम देगी कि मुझे देरी हो जाए। एक नंबर जल्द कुमड़ी। बस ऑफिस से आने के बाद सीधा घर के बाहर दोस्तों के साथ। अरे मेरी बिनणी, ऑफिस से आने के बाद दोस्तों के साथ मूड फ्रेश कर रहा था। डैडी मेरी भोली मम्मी इसका मतलब नहीं समझी। मम्मी आपका मुंह देख के इनका मूड खराब हो जाता है, इसलिए बाहर मूड फ्रेश करने जाते हैं। ऐसा मत बोल, वैसे भी ये लपट झंडी झगड़े का मौका ढूंढती है। तू अपने पापा को जिंदा नहीं देखना चाहता क्या? झोपड़ी के ये सही बोल रहा है एकदम। पर दूल्हे इधर, तेरे से शादी करने के बाद मेरी लाइफ की फ्रेशनेस चली गई और तेरे को फ्रेश होना है। एक काम कर, आज तुझे आजादी देती हूँ, पूरी तरह फ्रेश हो जा, रात को घर पे मत आना, जो तेरा दोस्त तेरे को रखना चाहे रख सकता है। वाओ पापा सुपरमैन। और तू डॉबरमैन काटने के लिए पैदा हुआ है। अरे मेरी मुरमुरी, तेरे से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में तो प्यार 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 ही प्यार, और क्या बोलूँ, आई कांट एक्सप्रेस माई भावना। और तेरे से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में सुबह खाना बनाने के लिए किचन, फिर दोपहर को किचन, फिर शाम को किचन, फिर रात के खाने के लिए किचन, दुल्हे साल के हर दिन किचन, संडे को भी किचन, मेरी जिंदगी तो किचन किचन किचन। अरे चोमू में सोती हूँ ना तो सपना भी ऐसा आता है कि किचन में काम कर रही हूँ, पूरी जिंदगी की माँ बहन हो गई है। हर बार गंडुली तेरा एक ही डायलॉग रहता है, मैं तेरे लिए घर छोड़ के आई अपना। अरे चोटली तू अकेली लड़की थोड़ी है जो घर छोड़ के आई है। अरे झोपड़ी के मैं इसलिए डायलॉग मारती हूँ कि यहाँ आके तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा सुनने वाला। और केकड़े, ये बहुत बड़ी चीज होती है घर को छोड़ना। साले तेरे को तो एक दिन मेरे घर पे रहने बोलती हूँ तो तेरा तो मन नहीं लगता, पर मेरा जिंदगी भर का टिकट कट गया है तेरे साथ रहने का। तेरे घर वालों के जैसा हर बात पे तू भी मेरी माँ बहन करेगा तो मैं किधर जाऊंगी? मैं झिंगूर दांत दिखा के गुस्सा मत दिला मेरे को, घर वालों की तरह पूरे दिन नौकरा नहीं समझता है, फिर रात को अपना मतलब निकालने के लिए बीवी। ओह माय गॉड, पहले जैसी तारीफ नहीं करते, पहले जैसा चिपकू था अभी नहीं। तारीफ भी मैं करता था, तू करती थी क्या तारीफ? आधी से पहले फूलों जैसा बदन बोलता था, अभी मेरे को क्या पता तेरे को एक हफ्ते में ही भालू जैसे बाल आ जाते हैं। शादी के बाद पता चला जब मैं तुझे गले लगा रहा था, अरे कांटों में हाथ कहाँ डाल रहा हूँ मैं? पहले तेरे होठों को रस भरा लाल लाल बोलता था, लेकिन अभी बर्तन का लिक्विड लगा रहता है तो मैं क्या करूँ? अरे झोपड़ी के, ये सब हुआ किसके वजह से? तेरी वजह से। थोबड़ा देखा है, भिंडी के ऊपर की निकली हुई टोपी जैसा तेरा थोबड़ा है। अरे लपू जन्ने, कपड़े पहनने का होश नहीं था, सब मैंने सिखाया जंगली किधर का। क्या तू भी बोलने लगी ना, पहले तो तू भी तारीफ करती थी, हीरो बोलती थी मुझे। रियल बात तो ये है कि तेरे मन का करूँ तो मैं अच्छा, और तेरे मन का नहीं करूँ तो कुत्ता कमीना लुच्चा। सॉरी टू से बट इट्स ट्रू माई चोटली। मम्मी आप कितना कुछ सहन कर लेती हो, कैसे कर लेती हो? कभी सास को, कभी ससुर को, कभी ननद को। पहले पहले नई नई आई थी ना तो ऐसा सोचा था इन गड़दुल्लों के साथ जिंदगी बर्बाद, ऐसा लगता था मैं, मेरी सोच, मेरा दिमाग सब वो लोग ने कंट्रोल करके रखा है, जो चाहे वो करवा सकते। फिर मुझे पता चला ये चोमू खानदान के पक्का सुन लोग है ना, मेरे भोलेपन का ज्यादा ही फायदा उठा रहे। बाद में मैंने भोलेनाथ का नाम लेके इन लोग का ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया, सबके दोनों ढोल फट गए। सब झोपड़ी वाले लोग को लगता है कि मेरे अंदर आत्मा आ गई है, अचानक से जवाब देने लगी ना, लेकिन वो लोग को क्या पता ये हिम्मत मेरे पति ने दी है। एक बार पति पत्नी के सपोर्ट में आ गया ना तो पूरे खानदान में कोई ऐसा चिलगुजा नहीं है कि कुछ बोल दे पत्नी को। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।